तो दोस्तों जिस पल का बिग बॉस में बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो पल आ ही गया है, क्योंकि बिग बॉस के मंच पे दो ऐसे फेमस पर्सन आने वाले हैं जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और काफी लोग उनके दीवाने भी है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर फैजू और बिग बॉस ओटीटी के विनर रह चुके एल्विस यादव, जो हमेशा बहुत ही चर्चा में रहते हैं, जिन्हें लोग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे में बिग बॉस की टीआरपी कितनी हाई जाने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। इस बार लोग बिग बॉस के अंदर रहने वाले लोगों को नहीं बल्कि इन दोनों को देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों लोगों का कहना ये है कि यादव और फैजू में इसलिए नहीं बनती क्योंकि एल्विस यादव ने फैजू ग्रुप को काफी बार रोस्ट किया है। तो ऐसे में इन दोनों के ही खास पर्सन बिग बॉस के हाउस के अंदर है और ये दोनों उनको सपोर्ट करने के लिए आए। तो ऐसे में बिग बॉस का शो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एल्विस यादव ने बिग बॉस में एंटर लेते हुए ही अदनान पर अटैक कर दिया अपनी बातों से, क्योंकि अदनान ने बहुत साल पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट की थी जहां पर उन्होंने एल्विस यादव को चूड़ियां पहनाने की बात कही है। मैं उसके लिए फिर चूड़ी लाया हूं, उसको गिफ्ट में देना चाहता हूं ताकि वो चूड़ी पहन ले, फिर लड़ेगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। वहीं लोगों का ये कहना है कि एल्विस यादव ने बिग बॉस पे आते हुए अदनान से ये कहा कि भाई यार तेरी चूड़िया कहाँ है, देख मैं आ ही गया तो मुझे चूड़िया पहनाने वाला था। तो वहीं अदनान को प्रोटेक्ट करते हुए फैजू एल्विस यादव से बातों में भिड़ जाते हैं। तो भाई बहुत साल पहले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा था, वो आज फिर से बिग बॉस के मंच पे देखने वाला हो रहा है। तो ऐसे में बिग बॉस के मंच पे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है अदनान या कटारिया में से कौन जीत सकता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।